कच्चे आलू का इतना टेस्टी नाश्ता आपने कभी नहीं खाया होगा। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये घर में रखी हुई कुछ सामग्री से बनकर तैयार हो जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार भी लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। घर में बच्चे हो या बड़े, सबको ये नाश्ता बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप सूजी। सूजी आप बारीक या मोटा कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ का आलू, जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और इसे 2 से 3 पानी वॉश करके अच्छे से और इसे पानी में भिगा कर रखा है। अगर आलू को हम ऐसे रखेंगे तो वो काला पड़ जाता है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने रखा है पैन और अब मैं इसमें ले रही हूँ 2 कप पानी। इस कप से मैंने 1 कप सूजी लिया है, इसी कप से मैं 2 कप पानी ले रही हूँ। 1 कप सूजी में आप 2 कप पानी ऐड कर लें, 1 छोटी चम्मच घी, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1 बड़ी चम्मच सफ़ेद तेल। इससे हमारा जो नाश्ता है बहुत ही करारा बनता है। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 बारीक कटी हरी मिर्च और 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। सभी को चलाते हुए मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम रखेंगे और इसमें 1 उबाल आने देंगे। पानी में 1 उबाल आ गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने आलू को ग्रेटर से ग्रेट करके रखा था। इसे चलाते हुए हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे कि आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और पानी अच्छे से उबलने लगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा आलू है सॉफ्ट हो चुका है और जो पानी है इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने सूजी रखी है। तो यहाँ पे मैं सूजी को ले रही हूँ और इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते हुए और हम स्पैचुला से चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही बार सूजी ऐड करेंगे तो उसमें लम्स आ सकते हैं। और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा ऐड करके और इसे चलाते रहेंगे तो इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिना चावल के आटे का भी ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम कर देंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। हमें सूजी को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करना है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहने देना है। सूजी को हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे जब तक डो बन जाए आटे के जैसा उस तरह से हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो हमारा जो सूजी है डो के जैसा हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर ले रही हूँ और इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे हम चलाते हुए इसमें मिक्स कर लेंगे। धनिया जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसे कवर करके और 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये ठंडा भी हो जाएगा, हमें इसे खुले में ठंडा नहीं करना है। तो 5 मिनट बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ थाली और हमारी जो सूजी है हल्का गर्म है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, तो इसे मैंने थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें ले रही हूँ 1 चम्मच ऑयल। ऑयल लगाने से जो सूजी है हाथों में चिपकता नहीं है और इस तरह से मैं इसे अच्छे से मसलते हुए इसे डो की तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। सूजी थोड़ा गर्म है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। तो इस तरह से आप प्लेन सरफेस का ग्लास लीजिए और ग्लास से इस तरह से अच्छे से इसे मसल लीजिए। इससे क्या होगा कि इसमें अगर कोई गुठलियाँ रह जाती हैं कभी तो बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर ग्लास में चिपकता है तो आप इसको स्पैचुला से इस तरह से क्लीन कर लीजिए और इसे इस तरह से समेट लीजिए और फिर से इसे मसल लीजिए। तो 2 से 3 मिनट मैंने सूजी को इस तरह से मसल लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं इसे इस तरह से अच्छे से समेट ले रही हूँ और ये डो जो है एकदम सॉफ्ट हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 प्लेट और मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर और इसे ग्रीस कर लिया है इस तरह से। और जो हमारा सूजी का डो है हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसे इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए इसको अच्छे से हमें शेप दे देना है। तो मैं यहाँ पे इसे चौकोर शेप में सेट कर ले रही हूँ। जब ये थोड़ा सेट हो जाएगा तो हम इसके पीसेस कट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। तो मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी जो सूजी का ये डो है अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब मैं इसे पीसेस में कट कर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे ट्रायंगल शेप में काटूंगी। तो पहले मैं इस तरह से स्क्वायर में काट रही हूँ। आपको जैसा चाहिए वैसा शेप आप काट सकते हैं। और फिर इस तरह से बीच से मैं इसे ट्रायंगल का शेप दे दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे पीसेस काट लिए हैं। आपको निकाल के दिखाते हुए प्लेट में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और बहुत ही आसानी से निकल भी जाता है।
तो देखिए मैंने इस तरह से निकाल लिया है, जो साइड में थोड़ा सा उठा हुआ है, तो हाथों से इस तरह से हल्के से दबाते हुए प्रेस कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि मैंने सारे पीसेस निकाल लिए हैं, तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई में ऑयल गर्म होने को रख दिया है और हमारा जो ऑयल है ये गर्म हो चुका है, तो हम एक एक करके इसमें इस तरह से डाल देंगे। एक बार में मैं यहाँ 4 से 5 पीस डाल रही हूँ और हमें इसे तुरंत नहीं पलटना है। जब ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए और एक साइज से सिक जाए तो हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। ये जो नाश्ता होता है बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। हमें इसे हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेना है। तो आप इस रेसिपी को बच्चे को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, उन्हें ज़रूर पसंद आएगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हमारा जो ये नाश्ता है सीख कर तैयार हो चुका है, तो अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, बाकी के जो बचे हुए पीसेस हैं मैं इसे भी निकाल ले रही हूँ और इसी तरह से हम बचे हुए पीसेस को फिर से फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ फिर से कढ़ाई में 4-5 पीस डाल दिया है। अब देखिए जो हमारा नाश्ता है फ्राई हो चुका है और देखने में ही आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तो आप इसे हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करिए या टमाटो सॉस के साथ, आप इसे जैसे चाहे वैसे सर्व कर सकते हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना परफेक्ट बना हुआ है हमारा नाश्ता और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।